नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमो। मोमो बनाने के लिए हाफ पत्ता गोभी लिया है, एक प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक गाजर लिया है जिसे कद्दूकस कर लिया है, हाफ शिमला मिर्च लिए हैं कद्दूकस कर लिए हैं, और 8-10 कली लहसुन का लिया है, 3 कच्चा मिर्चा लिया, गोलकी पाउडर लिया है, ये हमने स्टफिंग के लिए लिए हैं। अब डो लगाने के लिए 1/2 kg मैदा लिया है, नमक और तेल, 2 चम्मच मैदा में तेल डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। ऐसे अच्छी तरीके से आटा को रफ कर लेंगे, रफ करने से हमारा तेल मैदा में मिल जाएगी और इसे आप मिलाएंगे, से थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मिलाएंगे। डो हमारा तैयार हो गया है, अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए गैस को ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा लिया। कढ़ाई हमारा गर्म होने के बाद इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें थोड़ा 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद लहसुन को हल्का भूनने के बाद कच्चा मिर्चा डालते हैं। प्याज डालते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रख देंगे। उसके बाद कुचा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, सब्जी को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा ही फ्राई करना है, ये बंदा को भी देख सकते हैं। मीडियम करके इसे भून लेते हैं, इसे 1 मिनट तक ही भूजेंगे, सब्जी ज्यादा भूजना नहीं चाहिए। अब इसमें हाफ 1 चम्मच छोटा गोलकी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। नमक लास्ट में उतार कर डालेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद, अगर नमक पहले डाल देंगे तो इसमें पानी छोड़ देगी, जो स्टफिंग में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। हमारा ये सब्जी बनके हो गया है तैयार। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब नमक थोड़ा ठंडा होने के बाद नमक डालेंगे। स्टफिंग हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अब इसे नमक डालकर स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। नमक डालकर मिला के रखेंगे, चटनी तैयार करेंगे। मोमो की चटनी तैयार करने के लिए टमाटर में चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने से हमारा टमाटर जब बॉईल करेंगे तो टमाटर से छिलका आसानी से उतर जाएगी, इसलिए हम लोग टमाटर में चीरा लगाते हैं। 4 टमाटर ले लिया है और 5 सूखी मिर्ची, अब इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी डालकर। आपको पानी डाला है और इसे अब करने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे 5 मिनट के लिए। बनाने के लिए मैंने पतीली में पानी रख दिया है और उसके ऊपर से ये चलने प्लेट रख दिया है, इसके ऊपर हम लोग मोमो को सजाएंगे। मैदा से पूरी के जैसा छोटे छोटे लोई लेकर इसे बेलेंगे।
एकदम पतला बेलेंगे। पतला बेलने से ये मोमो का स्वाद अच्छा आता है। इसमें स्टफिंग भरेंगे। मोमो हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। चारों तरफ से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद मोमो हमारा बन गया। अब दूसरा तरीका से दिखाते हैं। स्टफिंग डालेंगे, उसके बाद चारों तरफ से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद एक के ऊपर एक इस तरह से करके आंच करेंगे। मोमो स्टफिंग करके अब रेडी हो गया है। हरिया में जिसमें पानी चढ़ाए थे उसमें हल्का सा हम लोग तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद इस पे मोमो डालेंगे। पानी हमारा गर्म हो रहा है, इस पे मोमो डालेंगे। आंच को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसे हम ढक देंगे। 10 मिनट के बाद इसे फिर हम देखें, चेक करके देखेंगे कि मोमो हमारा कितना हुआ है। बॉईल हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। टमाटर का छिलका उतार लेते हैं। टमाटर हम कट करके डाले थे, देखिए छिलका कितना अच्छा से उतर रहा है। अब छिलका हमारा उतर गया है, ऐसे मिक्सी जार में डाल देंगे। इसे ग्राइंड कर लेंगे। मोमो की चटनी बनाने के लिए 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें लहसुन 4-5 लहसुन की छोटी छोटी इसमें काट लिए हैं, उसे डाले हैं। उसके बाद प्याज, प्याज को मीडियम आंच में भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का भुना गया है। अब इसमें ग्राइंड किया हुआ टमाटर और मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे थोड़ा चला लेंगे। 2 चम्मच टमाटर सॉस, 1 चम्मच शुगर सॉस। इसे अच्छा से मोमो की चटनी अब बनके हो गई है तैयार। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 10 मिनट हो गया है, अब हम मोमो को देख लेते हैं कि हमारा मोमो हुआ है कि नहीं। मोमो हमारा बन चुका है और इसे अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मोमो निकाल लेंगे। अब हमारी भेज मोमो बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।